नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल उज्ज्वलवारा 24H। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो स्क्रीन फ्रेम को साफ करने के बारे में। ये जो फ्रेम रखा हुआ है 2 महीने से रखा हुआ है और आज मैं इसको साफ कर रहा हूं। यानी कि अधिक समय तक रखा हुआ फ्रेम में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं साफ करने में, तो वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो फ्रेम है, जब सीजन पर काम चल रहा था तभी मैंने इसे रख दिया था ऐसे ही बिना साफ किए। तो आज मैं इसको क्लीन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिगा लेंगे पानी से अच्छी तरह से। भिगाने के बाद में ये है हमारा डिकोटर, तो इस पर थोड़ा थोड़ा डिकोटर हम डाल देंगे। तो दोस्तों, हम इस पर डिकोटर डालेंगे। हाँ, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालने के बाद में इस पर हल्के हाथ से हम रगड़ेंगे। और हाँ, हमको ध्यान रखना है कि जब हम फ्रेम को साफ करें तो पानी से अच्छी तरह धुल लेना चाहिए, क्योंकि कोई डस्ट वगैरह होगी तो हमारा फ्रेम क्या होता है, उससे फट जाता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम उन पर ध्यान देते हैं। तो अब इसे हम हल्के हाथ से रगड़ेंगे और हमें एक तरफ से ही रगड़ना है, एक तरफ से ही साफ करना है, क्योंकि दूसरी साइड में इंक लगा हुआ है। तो हम इधर डालेंगे तो जो डिकोटर है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च होगा, क्योंकि इंक की तरफ से साफ नहीं होगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, हमने इस तरफ से साफ कर लिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो अब क्या करेंगे, इस पर पानी डालेंगे। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम इधर से थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा रह गया है, थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है। तो अब हम इंक को छुटा देंगे और इंक को छुटाने के लिए हम पहले इस पर पानी डालेंगे, यानी कि जो हाथ से छूट जाता है ऐसे करके उसे छुड़ा देंगे और फिर साबुन लगा देंगे। जितना साफ़ होता है हम उतना साबुन से इसे साफ कर देते हैं और जो टेप लगा हुआ है टेप को छुड़ा दे रहे हैं। दोनों तरफ से हाथ लगा लेंगे और हाथ लगा करके इंक को रगड़ेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भी रखा हुआ फ्रेम हो फिर भी आप आसानी से साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा फ्रेम अच्छा साफ होगा तो जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो अच्छी आती है, और गंदा साफ होता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, गंदी क्वालिटी आती है। अब जो इंक चिपका हुआ रह गया है हमारा, तो हम इसे नाइट्रो से साफ करेंगे। इस बोतल में छेद नहीं हुआ है, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है। नाइट्रो से क्या होता है कि जो हमारा इंक होता है पूरा आसानी से छूट जाता है अच्छी तरह, और जो ये कोटिंग रह गई है हमारी, तो हम इंक को छुटाने के बाद में इसे साफ करेंगे, क्योंकि इंक को साफ नहीं करेंगे पहले
तुम्हारे ये जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगी। देखो इंक हमारा अच्छी तरह से साफ हो चुका है, तो हम पानी से धोकर इसे निकाल देंगे। इंक निकल चुका है, थोड़ा कहीं कहीं पर रह गया है, उसे बाद में हम निकाल देंगे। अब डिकोटर डाल करके इस कोटिंग को भी साफ कर देते हैं। दोस्तों हमारा इंक और सुपर कोट छूट चुका है, अब हम इसे लास्ट में साबुन से साफ कर देंगे। थोड़ा टेप रह गया चिपका, टेप को छुड़ा दे रहा हूँ मैं। और थोड़ा साइडों से रह गया है तो वो काम चलता रहेगा और साफ अधिक होता रहेगा। अब इसे हम पानी से साफ कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारा फ्रेम साफ हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से धुल करके साबुन से हम रख देंगे और आसानी से यूज में ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब काम बंद होता है तो हमको फ्रेम मतलब साफ़ करके ही रखना चाहिए। अगर साफ़ करके नहीं रखेंगे तो धुलने में कभी से दिक्कत आती है, और कभी कभी क्या होता है तो फ्रेम पे जो डिकोटिंग लगा रहता है वो ज़्यादा पक्का हो जाता है, तो वो छूटने में बहुत परेशानी देता है। तो हम साफ़ करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे ही काम में लग गया था तो मैंने साफ़ नहीं कर पाया। तो मैंने आपको बता दिया कि रखा हुआ फ्रेम किस तरीके से साफ़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लाते रहेंगे आपको स्क्रीन पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो।